बिगड़ैल उत्तर कोरिया और उसके बड़े भाई चीन में सोच का अंतर बहुत कम है। दोनों दुनिया को डराते हैं। फर्क बस इतना है कि किम को जवाब मिल जाता है, जिनपिंग को जवाब देने की हिम्मत दिखाने वाला कोई नहीं है। अब तक जिनपिंग भी किम के जैसे तानाशाह बनने की तैयारी कर चुका है। चीन में किसी राष्ट्रपति के लिए सिर्फ दो बार कार्यकाल संभालने की अनुमति है, लेकिन दो बार ही राष्ट्रपति बनने का नियम जिनपिंग के लिए खत्म किया जाएगा। जिनपिंग के विचारों को चीन के संविधान में जोड़ा जाएगा। ये बातें 4 मार्च से बीजिंग में चल रही नेशनल पीपल्स कांग्रेस में पक्की हो चुकी है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस एक तरह से चीन की संसद है, जिसमें देश भर से 3000 प्रतिनिधि हैं। यानी 64 साल के शी जिनपिंग एक तरह से चीन के सम्राट और इससे आगे कहें तो चीन के नए तानाशाह करीब करीब बन चुके हैं, जिसमें कब वो किम जोंग उन के अवतार में आ जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। सेना पर जमकर खर्च, पड़ोसी देशों पर दबंगई, आर्थिक ताकत का इस्तेमाल, वन बेल्ट वन रोड जैसे प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया पर अपनी ताकत चलाने की सोच, यानी सोच ये है कि वन बेल्ट वन रोड के साथ दुनिया का एक ही लीडर हो शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के पास जैसी ताकत आ चुकी है वो चीन के माओ के बाद किसी के पास नहीं रही। इसी असीमित ताकत का डर था कि खुद चीन के सिस्टम ने राष्ट्रपतियों के सिर्फ दो कार्यकाल की बंदिशें लगा दी थी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ की 1966 में सांस्कृतिक क्रांति से चीन में बहुत खून खराबा हुआ। तानाशाही सोच से चीन 10 साल तक बंदिशों, अराजकता, खून खराबे और माओ के दुश्मनों के सफाई से जूझता रहा। माओ की मौत के 6 साल बाद 1982 में चीन ने अपने संविधान में जोड़ा कि राष्ट्रपति को दो कार्यकाल ही मिलेंगे। अब चीन शी जिनपिंग को सर्वशक्तिमान बनाने के साथ ही 40 साल पहले की सोच में वापस चला गया है। इस सोच के सबूत शी जिनपिंग अपने अब तक के कार्यकाल में दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से वो चीन को चला रहे हैं और सभी शक्तियों को लेकर वो एक तरह से चीन के तानाशाह बन चुके हैं। जिनपिंग अब तक अपने 100 से ज्यादा जनरलों और 4000 कर्मचारियों को जेल में डाल चुके हैं। जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी में फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था पोलित ब्यूरो के 4 पूर्व सदस्यों को जेल भेज दिया। जिनपिंग के अभियान का शिकार चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के करीब 10 लाख कैडर भी हुए हैं। अब तक चीन ने यह भी एक तरह से पक्का कर लिया है कि जब तक शी जिनपिंग चाहेंगे तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। लगातार बढ़ते रक्षा बजट, लगातार बढ़ती सैनिक ताकत के बीच ऐसी शक्तियों से कोई भी खतरनाक दिख सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि शी जिनपिंग और चीन के सामने दुनिया में कोई नहीं बोलता। उल्टे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो जिनपिंग के लिए आजीवन कार्यकाल के चीन के फैसले को अच्छा बता रहे हैं। ट्रंप तो अपने बारे में भी कह रहे हैं कि अमेरिका को भी राष्ट्रपति के कार्यकाल पर इसी तरह का फैसला कर लेना चाहिए। जब दुनिया के इकलौते सुपर पावर ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं तो बाकी दुनिया क्यों ऐसा नहीं करेगी। लेकिन बाकी दुनिया को भले ही फर्क ना पड़े, भारत जैसे उन पड़ोसी देशों को चीन से हमेशा सावधान रहना ही होगा, जिनके लिए दो ही विकल्प, या तो चीन की दादागिरी का जवाब दो, नहीं तो फिर अपने हितों से समझौता करना पड़ेगा।